नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। आज दिनांक 15 फरवरी 2022 है। अभी इस वीडियो में आज हम आलू के भविष्य पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानेंगे आज के आलू का भाव क्या है, आखिरकार कब तक चलेगी मानसिक तेजी और इस तेजी को लेकर क्या हो सकता है आगे फायदा या घाटा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के आलू का बिल्कुल ताज़ा भाव। और जो है अभी फिलहाल में वेस्ट बंगाल कानपुर फर्रुखाबाद छिबरामऊ मंडी के आलू के भाव की बात करेंगे। लेकिन देखिए क्या है कि अभी फिलहाल में कानपुर मंडी में आज जो आमदनी है आपकी 40-50 मोटर की हुई है और आज जो आलू का भाव है आपका वो आपका 325 से लेकर और 350 रुपये प्रति मन के हिसाब से हाइब्रिड आलू बिके हुए हैं ख्याति बुखरा के। और वैसे अगर भाव सही बीज लगाया जाए तो 300 से लेकर 350 रुपये प्रति मन के हिसाब से आप मान सकते हो। वहीं लाल आलू की बात करें तो लाल आलू आपका 350 से लेकर और 425-30 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। वहीं साथियों अगर बात करें हम लोग फर्रुखाबाद की मंडी की तो फर्रुखाबाद की मंडी में आज आमदनी जो है समथिंग 200 मोटर के आसपास की है और आलू के जो भाव हैं वो आपके 950 रुपए से लेकर और 1051 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। ये ख्याति पुखराज आलू की बात कर रहा हूँ और अगर आपका 37-97 और चिप्स होना है तो वो आपका 1000 से लेके और 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक रहा है। और जहाँ तक है कि आज भी फर्रुखाबाद की मंडी में लगभग 20-30 रुपए का उछाल देखने को मिला है। लेकिन साथियों उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को 2022 में सभी किसान भाइयों व व्यापारी भाइयों को अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल चलवाए गए हैं जिनसे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम बिल्कुल किया जा रहा है। उन लोगों का काम क्या है कि वो लोग एक वीडियो बना के ले जाएंगे, 10-10 दिन के लिए रख लेंगे, वही वीडियो बार बार डाल के काम चलाते हैं और वही वीडियो मतलब बनाएंगे, 2-3 मिनट की डाल देंगे, फिर दूसरी उसी मतलब होगी उसी दिन की डालेंगे दूसरे दिन। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब कायदे से काम कर लो, किसान भाइयों के साथ 2022 में अनर्थ नहीं होने दूंगा। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इन दल बदलू यूट्यूब चैनलों के चक्कर में मत पड़ो। ये सब बेकार की बात, ये सिर्फ अपने व्यू और पैसे के चक्कर में काम करते हैं और अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरा काम करेंगे। आज कोई सा वीडियो तो कल कोई सा, कल कोई फलाने आ रहे हैं वो दिखाएंगे, कल कोई ढिकाने आएंगे उनको भी दिखाएंगे। तो आप लोग इस हिसाब से काम करो। बात बाकी अब अगर बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल में आज आलू का जो भाव है वो आपका 570 रुपये से लेके 630 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। अब बात करें छिबरामऊ मंडी की तो छिबरामऊ की मंडी में कल आलू की जो बिक्री थी मेरे सामने जो आंखों देखो देखो तक हुई थी वो आपकी 400 से लेके 485 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही थी। लेकिन क्या है, हम अपने किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, किसान भाइयों अपना माल जो है ग्रेडिंग करके लाया करें और अच्छे से लाया करें तो अच्छा दाम मिल जाएगा। आज भी अगर अच्छा माल आप लेके आएंगे, कच्चा होगा तो क्या हुआ, लेकिन अच्छा अगर ग्रेडिंग करके होगा तो भी आपका 450 बिकेगा। लेकिन किसान भाइयों का एक थोड़ा गलती समझो या उनकी ढिलाई समझो या आलस समझो कि वो लोग जो आलू है ऐसे ही भर के ले आते हैं बिल्कुल गड्ड, और जब गड्ड भर के लेके आओगे तो भाई आलू तो वैसे भी क्वालिटी नहीं आ रही है, वैसे भी आलू में प्रोडक्शन नहीं है, वैसे भी आलू की हालत ख़राब है, लेकिन आप लोग और हालत ख़राब करके ले आते हो, फिर आपका आलू बिकता है 420-430 रुपये। फिर आप लोग कहते हो कि भाई आलू का जो भाव आप बता रहे हो वो आप मिलता ही नहीं है। भाई मिलेगा कहाँ से जब आप लोग आलू का ग्रेडिंग करके नहीं लाओगे तब? तो आप लोग आलू को ग्रेडिंग करके लाओ, अच्छे से लाओ, बस अच्छा दाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। और नबीगंज की मंडी में कल लगभग 501 रुपये प्रति कट्टा तक आलू बेचे हुए थे, लेकिन जो आलू जो हैं 450 के बाद में जो आलू बिक रहे हैं वो आलू कोल्ड क्वालिटी के हैं, बढ़िया आलू पके हुए। लेकिन इस समय आलू जो है सभी आलू में चेचक, सभी आलू में मतलब मट्टी वगैरह सब कुछ आ रहा है, आलू साफ सुफ आ ही नहीं रहे।
तो ये था आलू का अपडेट और उम्मीद करते हैं कि आलू और बढ़ेगा। अब थोड़ा बात करते हैं आलू के मतलब भविष्य के बारे में। देखिए क्या है कि अभी मैंने देखा है कि अभी ये तेजी नहीं है, ये एक मानसिक तेजी है। मतलब जहाँ जाओ लोगों के मन में यही एक सवाल है कि भाई आलू बहुत महंगा बेचेगा, बहुत महंगा बेचेगा, बहुत महंगा बेचेगा। और तत्काल क्या हुआ है कि बाहर के व्यापारी, जैसा कि वेस्ट बंगाल के, जैसा कि पंजाब के, जैसा कि बिहार के व्यापारी, वो आए हैं इस क्षेत्र का माहौल देखने। लोगों को लगता है वो आए हैं आलू लेने। अब भाई वो आए हैं तो वो सोच रहे हैं चलो कुछ आलू ले भी लें। तो अब फिलहाल में बाहर के भी व्यापारी आने लगे हैं तो लोग सोच रहे हैं, और व्यापारियों की भी दिमाग में एक बात आ गई कि आलू है नहीं, तो इसीलिए बराबर खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अब भाई तेजी है तो भाई आदमी खोद भी रहा है और बेच भी रहा है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल वो खोद ही नहीं रहे, वो सोच रहे अब हम पूरा का पूरा कोल्ड में ही रखेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस साल बहुत ही अपने मतलब मन से अपने हिसाब से ही कार्य करें, क्योंकि इस साल ना अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैटर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हालांकि आशा करते हैं कि आलू का भविष्य जो है अच्छा रहे, और उम्मीद भी है अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से अपने आलू का लेन देन करें। पता चले जो लोग आलू खरीद रहे हैं वो तो भाई बहुत बड़े पैसा वाले हैं, कोल्ड मालिक हैं, इस समय कोल्ड मालिक आलू खरीद रहे हैं, गड्ढा आलू, बेकार आलू, कच्चा आलू खरीद रहे हैं, वो तो भाई पैसा वाले हैं। उनका चला भी जाएगा 10-20 हज़ार कट्टे तो उनको कोई फर्क ना पड़ने वाला है। लेकिन हम किसान भाइयों के पास आप लोगों को पता है ना कि अगर 50 कट्टा चले गए ना तो पूरा साल का महीना चला जाता है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही दिमाग से, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छे से अपने आलू की बिक्री करें अपने हिसाब से। हम तो कह रहे हैं आप लोग आधा बेच दो, आधा रख लो। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जो भी है आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। बाद बाकी